सर ये तो नेशनल हॉस्पिटल का वार्ड बॉय शिंदे। लेट्स गो। आप अपना नाम और पता यहां लिख लीजिए। मौसी जा रही हैं? कहा सुना, माफ कीजिएगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपना ख्याल रखिएगा मौसी। जीती रहो। थैंक यू। अच्छा चलती हूँ। लीजिए आप अपना नाम और पता लिख लीजिए। So, how are you feeling? बस आपकी दवाइयों ने काम किया। Thank you. Welcome. Excuse me. जी आपने ये किसका नाम लिख दिया? सही तो लिखा है। ओह, अपने दोस्त का नाम लिख दिया। असल में उसके घर में रहता हूँ ना, इसलिए। लाइए। वार्ड बॉय शिंदे कहाँ है? अब वो तो एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर गया है। क्यों? Because he is the killer, Abhi. What? He is the killer. रिकॉर्ड चेक किया तुमने? नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड उनका स्टाफ अभी आ रहा है। जल्दी से रिकॉर्ड चेक करो। okay. साथ ही ये पता लगाने की कोशिश करो कि शिंदे कहाँ रहता है। कैची, ये चादर और इसका कोना फटा हुआ है। सर ये देखिए सर, और ये तुम देखो, इसका मतलब ये हुआ कि चादर के इसी टुकड़े में क्लोरोफार्म डालकर डॉक्टर शाह को बेहोश करने की कोशिश की गई। दिस मींस 100% खूनी शिंदे ही है सर। यस, इसके पहले कि वो डॉक्टर शाह पर दोबारा हमला करे हमें उसे पकड़ना होगा। थैंक यू साहब, चाहता हूँ गांव को जाना है ना। टाइस के निशान देख रहे हो, वहां से शुरू हो रहे हैं और वहां पे खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बहुत स्पीड में गाड़ी लेकर आया और इसे उड़ा दिया। इसकी बॉडी यहां पे गिरी, लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि रुकते रुकते यहां तक आ पहुंची। यू राइट सर, इसका मतलब ये हुआ कि इन मर्डर्स में शिंदे के साथ कोई पार्टनर था, या फिर ऐसा कोई आदमी जिसके इशारे पर वो काम करता था, और काम खत्म होते ही उसने इसका काम तमाम कर दिया ताकि उसका चेहरा हमेशा पीछे रह सके। एग्जैक्टली। लाश के पास से कुछ बरामद हुआ? ये
रुपयों का बंडल मिला है सर, 500 के नोट है सारे। 500 के नोट? इतने सारे रुपए इसके पास कहाँ से आए? ये समझ में नहीं आ रही सर। मतलब साफ है इस रुपयों के बदले इससे काम करवाया गया, ऐसा ही लगता है सर। जिस पेशेंट का खून नीता सिंह को दिया गया था उस पेशेंट का नाम सल्ला भाटिया था, जिसके हस्बैंड का नाम सूरज भाटिया है। एंड व्हाट मोर, मुरली व्यास डिस्चार्ज होते वक्त अपना नाम लिखने के बजाय सूरज भाटिया का नाम लिखा था। अवनी वही आदमी है ना जो देर रात तक उठा रहता था और देखे जाने पर किसी औरत के साए वाली बात करता था? That's right. Between सूरज भाटिया और मुरली व्यास एक ही आदमी के नाम है। विजय तुम जल्दी से जाओ और बैंक ऑफ इंडिया से पता करने की कोशिश करो कि रुपए किसने विड्रॉ किए, ठीक है? मुरली व्यास को ट्रेस करना होगा। कम सर, देखिए इस चेक पर सूरज भाटिया का ही साइन है। थैंक यू मिस्टर शुक्ला। हाँ सर, बैंक में ही हूँ अभी। ये रुपए सूरज भाटिया ने ही निकाले थे। क्या इसके घर पर ताला लगा हुआ? मैं पहुंचता हूं सर। हमें मालूम था कि तुम डॉक्टर शाह पर हमला करने दोबारा जरूर आओगे, इसीलिए हमने इन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर यह सारा जाल बिछाया। बताओ ये सारे खून तुमने क्यों किए? डॉक्टर शाह को क्यों मारना चाहते थे तुम? बताओ बताओ। वो सारे खून मैं नहीं किए हैं, मैं ही मुरली व्यास और मैं ही सूरज भाटिया हूं, क्योंकि इन लोगों ने मेरी बीवी की जान ली है, मेरी बीवी कविता की। पिछले साल जुलाई महीने की बात थी, मेरी बीवी कविता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मैं उसे लेकर नेशनल हॉस्पिटल पहुंचा, उसे एडमिट कर दिया। मेरी बीवी को अर्जेंटली ब्लड की जरूरत पड़ गई, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था जो बहुत मुश्किल से मिलता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 3% लोगों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। मैंने बहुत भाग दौड़ कर दो बॉटल्स का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन इस डॉक्टर शाह ने प्लस वंदना नर्स रोहिणी और उस लालची शिंदे ने वो ब्लड विनीता सिंह को, जिसका ब्लड ग्रुप मेरी बदकिस्मती की वजह से नेगेटिव था, उसे भारी दामों पर बेच दिया और मुझसे कहने लगे कि मेरा लाया हुआ ब्लड नेगेटिव था ही नहीं। मैं बौखला उठा। मैंने उनसे कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने उस ब्लड बैंक से भी रिकन्फर्म करवा लिया था जहां से मैंने वो ब्लड लिया था, लेकिन वो अपनी बातों पर अड़े रहे और मेरे चीखने चिल्लाने के बावजूद मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। कविता तुम ठीक हो जाओगी। कविता देखो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कविता तुम ठीक हो जाओगी। कविता आंखें खोलो, कविता आंखें खोलो। कविता डॉक्टर डॉक्टर। कविता तुम ठीक हो जाओगी। कविता आंखें खोलो। कविता कविता कविता। और मेरी इन्हीं बाहों में मेरी कविता ने दम तोड़ दिया और मैं उसके लिए सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर सका। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैंने हायर अथॉरिटीज में कंप्लेंट की, शिकायतें की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। यहां तक तो उन कमीनों ने उस ब्लड बैंक के मैनेजर को भी खरीद लिया। उसके झूठे बयान की वजह से मेरी फरियाद का गला घोट दिया गया। मुझे अपनी हार पर जितना गुस्सा आता उतना ही उनके जीत के प्रति बदले की भावना जागती। तभी मैंने सोच लिया मैं एक एक को जान से मार दूंगा जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। तो वो लोग थे डॉक्टर शाह, वंदना, रोहिणी,
विनीता और शिंदे। शिंदे? पर वो तो तुम्हारा आदमी था। नहीं, लेकिन अपने काम को अंजाम देने के लिए मुझे उसे अपना आदमी बनाना पड़ा। आखिर मुझे एक साथी की जरूरत जो थी, लेकिन उससे पहले मुझे जरूरत थी ढेर सारे रुपयों की। पूरा एक साल मैंने सिर्फ रुपया कमाने का काम किया। उसके बाद अपने हाथों से अपने पैर को फ्रैक्चर करके मुरली व्यास का नाम लेकर नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उन तमाम लोगों के चेहरे मेरे जहन में दिन रात रहते थे, लेकिन उनकी याददाश्त से मेरा चेहरा मिट चुका था, इसलिए मुझे सूरज भाटिया के तौर पर किसी ने नहीं पहचाना। शिंदे को भी मैंने अपने सूरज भाटिया होने की बात नहीं बताई, वरना वो समझ जाता कि उसकी जान को भी मुझसे खतरा है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मुझे पता चला कि विनीता भी वहीं एडमिट है। ये तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी थी। मैंने सोचा कि मैं सब लोगों को एक जगह पर खत्म कर सकता हूँ। एडमिट होने के बाद मैंने सबसे पहले रुपये का लालच देकर शिंदे को अपना गुलाम बना लिया। फिर वो वही करता जो मैं चाहता, जैसा मैं चाहता। वंदना, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, तुम अभी तक घर नहीं गई? बस जा ही रही थी, वो एक पेशेंट को ज्यादा घबराहट हो रही थी, उसको सुलाने में थोड़ा टाइम लग गया। और इस तरह चुपचाप मैंने अपना पहला बदला चुका लिया और मेरा अगला शिकार बनी रोहिणी। डॉक्टर शाह ने रोहिणी को कुछ काम सौंप दिया था। मैं इंतजार कर रहा था कब उसका काम खत्म और मेरा शुरू। मैंने सोचा उसकी ड्यूटी खत्म होने में वक्त लगेगा, लेकिन मुझे पता चला कि वो अपना काम अधूरा छोड़कर घर चली गई है। मैं हड़बड़ाते हुए उसके घर पहुंचा और जैसे ही वो किचन से बाहर निकली, मैंने उसे उसके बाद बारी थी विनीता की। मुझे उस बूढ़ी पेशेंट लक्ष्मी की नींद के चलने की आदत के बारे में मालूम था। मैंने उसका पूरा फायदा उठाया। शिंदे से मैं साइनाइड और सिरिंज पहले ही मंगवा चुका था। इस मामले में बहुत होशियार था। उसने किसी लैब का लेटर चुरा कर उस पर साइनाइड का ऑर्डर लिखवा कर जाली दस्तखत करके ये काम बना लिया था। अब काम मेरा था। उस रात जैसे ही लक्ष्मी नींद में अपने बेड से उठी,
मैंने अपना काम कर तो दिया, लेकिन मुझे शक हो गया कि कहीं लक्ष्मी ने मुझे देख तो नहीं लिया। लेकिन फिर जब विनीता का हस्बैंड आकर चिताने लगा तो मैंने राहत की सांस ली। उसके बाद दूसरे दिन जैसे ही विनीता ने संतरे का टुकड़ा अपने मुंह में डाला, मेरा बदला पूरा हो चुका था। अब बारी थी इस डॉक्टर शाह की। शिंदे ने मुझे बताया कि डॉक्टर शाह लेट नाइट ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। क्लोरोफार्म का इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया था। लेकिन इस कमीने की किस्मत अच्छी थी, उसी वक्त सिस्टर ऑनी आ गई। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ? अगर उस वक्त ये नहीं आती तो मेरा काम पूरा हो जाता। खैर, मैंने सोचा इसे बाद में देख लूंगा, पहले शिंदे को खत्म कर दूं, क्योंकि आज सुबह मैं आप लोगों को उसके बारे में पूछताछ करते हुए सुन लिया था। उसका जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक था, इसलिए मैंने उसे रुपए का लालच देकर एक सुनसान जगह पर बुला लिया। सलाम साहब। शिंदे को मारने के बाद मेरी प्लानिंग थी इस डॉक्टर शाह पर दोबारा हमला करने की, लेकिन आप लोगों ने आकर मेरा बदला पूरा होने से रोक लिया। पूरी स्क्रिप्ट ही सुना दी तुमने तो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी तुमने किया वो भी अच्छा नहीं किया। गुनाह का बदला कभी गुनाह से नहीं लिया जा सकता।